हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और इंस्टाग्राम पे किसी को भी मेंशन करना चाहते हैं अपनी स्टोरी के अंदर, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे किसी को भी मेंशन कैसे कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर किसी को भी टैग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले अपनी जो इंस्टाग्राम की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर जाना है, उसे ओपन कर लेना है और उस पर ये प्रोफाइल वाला पेज ओपन कर लेना है हमें, ठीक है। उसके बाद जैसे ये होम पेज था, यहाँ से हमें इस नीचे इस पे अपने आइकन पे क्लिक करके प्रोफाइल वाले पेज पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में 3 लाइंस दिख रही होंगी और इसके साथ में आपको एक प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा। आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, फीड, पोस्ट, रील, स्टोरी, स्टोरी हाईलाइट और IGTV वीडियो। तो हमें यहाँ पे स्टोरी पे क्लिक करना है। अब स्टोरी में किसी को मेंशन करने के लिए आप यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे लेफ्ट में आपको जो नीचे एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसमें पिक्स हैं, वो आपका गैलरी का बॉक्स है। इस पर क्लिक करके आप गैलरी में से चूज़ कर सकते हैं फ़ोटो, या आपको कोई फ़ोटो लेनी है तो आप डायरेक्ट, ये कैमरा खुल गया है, बैक कैमरा है मेरा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके भी फ़ोटो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जैसे ये क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक रैंडम पिक क्लिक कर ली है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मैंशन लगाने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको जिसको भी आपको मेंशन करना है उसका आपको यूज़र नेम जो है वो यहाँ पे लिखना होता है। तो जैसे हमने ये पिक यहाँ पे डाल दी, उसके बाद इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको मेंशन का एक आइकन दिखाई देगा। इस आइकन के ऊपर आपको टैप करना है और यहाँ से आपको अब उसका यूज़र नेम लिखना है जिसको आप टैग करना चाहते हैं। जैसे मैं अपना एक ऑफिशियल जो मेरी ID है इंस्टाग्राम की, वो यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मेरा नाम यहाँ पे आ गया है, मेरा आइकन सेकंड वाला है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। और आप इसके ऊपर टैप करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो उनसे आपको अच्छा लगे। अगर आप एक से ज़्यादा मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसमें दोबारा से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मेंशन लिखेंगे और यहाँ पर आप किसी और को टैग करना चाहते हैं तो उसका यूज़र नेम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसके आइकन नीचे आ जाएंगे और वहाँ से आप उस पर टैप करके यहाँ पे आ जाएगा वो, इस तरीके से ये मेंशन हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे यूअर स्टोरी पे क्लिक करके नीचे इसे डायरेक्ट स्टोरी में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सेंड टू में क्लिक करके, जैसे सेंड टू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इसे स्टोरी में डालना चाहते हैं, और अगर आपने क्लोज फ्रेंड की लिस्ट बना रखी है तो उससे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो यहाँ से ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ यूअर स्टोरी के सामने जो शेयर है उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर हो जाएगा। इसके बाद इसको शेयर करने से वो जिसको आपने इसमें मेंशन किया है, टैग किया है, उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसे पता लग जाएगा कि आपने उसे अपनी स्टोरी में मेंशन किया है या टैग किया है। तो इस तरीके से आप किसी को भी अपनी स्टोरी के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको ये पता लग गया होगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी को भी अपनी स्टोरी के अंदर कैसे टैग कर सकते हैं या मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।